हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को राज्य सचिवालय में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के साथ बैठक की। बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अपनी बातें दूसरे के सामने रखी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का वादा किया है। वहीं कर्मचारी भी ढोल नगाड़ों के साथ फैसले का स्वागत करने को तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पहली बैठक के दिन कर्मचारी ढोल नगाड़ों के साथ कैबिनेट में आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचेंगे। प्रदीप ठाकुर क्या बोले सुनिए। आज जो बैठक हुई है इसके लिए हम प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं, उनको बधाई भी देना चाहते हैं। उनके आज पार्टी का भी स्थापना दिवस है, उसकी भी उनको बधाई। देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चुनावों से पहले भी और चुनावों के बाद भी लगातार एक ही बात कही कि हम पुरानी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं, और आज उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बैठक में भी यही बात कही कि हम पहली कैबिनेट में पेंशन बहाल करने जा रहे हैं। जब हमने कहा कि हमें जो है पुरानी पेंशन ही चाहिए, जिसमें पुराने लोगों को जो पेंशन मिलती थी 2003 से पहले वालों को, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम वही पेंशन देने जा रहे हैं, आप निश्चिंत रहे, और जैसे ही हमारी पहली कैबिनेट की बैठक होगी आपकी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। ढोल नगाड़ों के साथ हम आप सबके साथ उस दिन भी रूबरू होंगे, शिमला में रूबरू होंगे। जैसे ही पहली कैबिनेट की बैठक अगर शिमला में हुई तो, और आप सब भी देखेंगे उस दिन पेंशन बहाली के लिए जो है सरकार की ओर से निर्णय आने वाला है। धन्यवाद। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।